सो फ्रेंड्स, हिना इंडिगो का कलर नहीं चढ़ता है, नेचुरल हेयर डाई लगा लगा के थक चुके हैं, बहुत सारी रेमेडीज आपको यूट्यूब चैनल्स पे मिल जाएंगी। बहुत ही ज़्यादा आपके पास यूट्यूब चैनल्स पे सर्च करके आप बहुत अलग अलग तरीक़ों से अपने बालों पे कलर करने के लिए ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पे नो हिना नो इंडिगो एक होम रेमेडी तैयार की है, उसको ट्राई किया है और सफ़ेद बालों के ऊपर ट्राई किया है। साथ ही साथ आपको रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कि उसका रिज़ल्ट कैसा रहा, क्या हम बिना हिना बिना इंडिगो के इस कलर को यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसका कलर आएगा नहीं आएगा, या फिर कितने दिनों तक चलेगा, सारी चीज़ें इसी वीडियो में हैं। इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक में कंजूसी ना करा करें, और जो भी रेमेडीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर किया करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि बहुत सारे व्यूअर्स की ये रिक्वेस्ट रहती है कि मैम, बिना हिना के बिना इंडिगो के आप ऐसी एक होम रेमेडी शेयर कर दें जिससे हमारे सफ़ेद बाल काले हो जाएं। एक तो विंटर सीजन आ रहा है, दूसरा हिना इंडिगो का जो सेकंड टू स्टेप मेथड होता है उसमें बहुत ही लंबा सा प्रोसेस हो जाता है। आई वुड से कि वो 100% काम करता है, बट काफ़ी लोगों को उलझन होती है क्योंकि किसी को हेडेक होती है, साइनस होती है, या फिर इतनी ठंड में वो 2 घंटे के लिए लगा के अपने सिर पे नहीं बैठ सकते हैं। सो उनके लिए मैं ट्राई करती रहती हूँ बहुत ही डिफरेंट से तरीके जिससे आप अपने बालों को कवर कर लें ये 2-4-6 महीने जो विंटर के हैं, ताकि हमें हिना इंडिगो ना लगाना पड़े और हम घर पे बने घर पे पड़े हुए इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको यूज़ करें और ईजी हो, सबके लिए ईजी हो, और साथ ही साथ ये इफ़ेक्टिव भी हो। सो इस वीडियो में मैं आपको डेमो शेयर करूँगी एंड आई ट्राइड इट फॉर यू ओनली, क्योंकि आप सबका ही यही क्वेश्चन रहता है कि मैं बिना हिना का बिना इंडिगो का हमें कोई हेयर डाई आप ट्राई करके दिखाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, साथ ही साथ डेमो भी शेयर करूँगी एंड देन रिजल्ट एंड में शेयर करूँगी, और फिर आपको ये भी बताऊँगी कि इसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है आपने, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिए बिंदु नेचुरल वर्ल्ड को, आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए घंटी को दबाइए, ये बिल्कुल फ्री है। सो यहाँ पे हमने यूज़ करना है ड्राई आंवला। सो हमने सूखे हुए आंवले लेने हैं और सूखे हुए आंवलों की हम रेमेडी यहाँ पे बनाएंगे। सो फ्रेंड्स, आंवला आपको पता है कि आपके सफ़ेद बालों को काला करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने हैंडफुल ऑफ आंवला लिया है, उसको रात को बाउल में भिगो के पानी में रख दिया है और मॉर्निंग में ये फूल गए हैं, और फूलने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो गया है। एंड देन मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, लोहे की कढ़ाई में इसको डाल दिया है और 1 गिलास पानी और डाला है। सो 1 गिलास पानी और डाल देंगे, इसको अच्छे से बॉयल करेंगे ताकि आपका पानी जो है बिल्कुल थोड़ा सा रह जाए, आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आधे से भी आधा कप रह जाए आपका पानी, तब तक आपने इसको बॉयल करना है, और उसके बाद आपने इसको छोड़ देना है पूरी रात के लिए, 1 दिन के लिए। सो आपने 1 दिन के लिए इसको छोड़ देना है। सो जैसा कि आपने बहुत सारी रेमेडीज़ ट्राई की होंगी जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ आंवला यूज़ करते हैं, तो फ्रेंड्स, आंवला यूज़ करना वैसे तो हमारे स्कैल्प के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा होता है, नेचुरल हेयर डाई का काम करता है, बट ये कितना एक इफ़ेक्टिव है, कितने परसेंटेज आपके ग्रे हेयर को कवर करेगा, उसका सारा जो रिज़ल्ट है इसी वीडियो में शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ब्लैक सा कॉन्कशन हमारे पास तैयार होता है। जनरली हम इस ब्लैक से कॉन्कशन से मेहंदी बनाते हैं। सो यहाँ पे मैंने इस ब्लैक कॉन्कशन को यूज़ करके ऐसा हेयर डाई बनाया है, ऐसा हेयर डाई जेल बनाया है, जो कि आप इंस्टेंट अपने बालों पे लगा सकते हैं। आपके थोड़े थोड़े बाल आगे यहाँ कान के आगे ग्रे हैं, माथे के आगे ग्रे हैं, या फिर आपके हल्के हल्के से दाढ़ी मूछ में ग्रे हैं, तब भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसको यूज़ करने के बाद हमें वॉश करना है कि नहीं करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, और ये दोनों चीज़ें मैंने करके देखी हैं इसमें, और क्या रिज़ल्ट रहता है इसमें, दोनों में अलग अलग रिज़ल्ट है, अलग अलग कंक्लूज़न है, सो इसी में मैं आपको शेयर करूंगी। सो आपने जो ये आंवले का कॉन्कशन है उसको आपने छान लेना है, छानने के बाद आपने इसमें डालना है एलोवेरा जेल। सो एलोवेरा जेल आप फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं, सो फ्रेश अगर आपके पास हो तो एक लीफ ले लें, उसको छील लें, अच्छे से उसको ब्लेंड कर लें और उसको यूज़ कर लें। सो मैंने यहाँ पे किया है रेडीमेड वाला, पहले मैंने डाले 2 चम्मच, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए थोड़ी सी थिक, ताकि ये हेयर डाई के जैसे अप्लाई हो जाए। तो पानी मेरा यहाँ पे साथ ज़्यादा, तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच और एलोवेरा जेल डाला और उसको अच्छे से मिक्स किया।
अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसको ब्लेंडर में डाला और अच्छे से ब्लेंड कर दिया। सो आप देख सकते हैं जो आमले का कंकोशन था उसकी कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी थिक हो गई है, ताकि आपके बालों पे ये इजीली लग जाए। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हुआ है आंवला डाई। इसको हम अप्लाई करेंगे 100% ग्रे हेयर, मींस ग्रे हेयर हैं और आप साइड पे भी देख सकते हैं, कान के आसपास ग्रे हेयर हैं और मिडल में भी ग्रे हेयर हैं। सो फ्रेंड्स, ग्रे हेयर पे हम इस रेमेडी को अप्लाई करेंगे। सो इसको मैंने दो तरीके से एंड किया है, दो तरीके से इसका रिजल्ट देखने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से काम करेगी और कितनी काम करेगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसे लगा लेना है अपने बालों पे, जहाँ जहाँ पे आपको ग्रे हेयर लगते हैं। वैसे तो आप इसको रूट टचअप के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं, बट अगर पूरे हेयर पे भी लगाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आंवला तो वैसे भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आंवला और एलोवेरा का जो मिक्सचर है ये एक टेम्परेरी हेयर डाई के जैसे काम करेगा। तो आपने अपने बालों के ऊपर इसको अच्छे से लगा लेना है और फिर इसको सूखने देना है, बालों को सूखने दीजिए। तो फ्रेंड्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने इसलिए किया क्योंकि आंवला जो होता है वो आपके बालों को ड्राई करता है और एलोवेरा जो होता है आपके बालों को मॉइस्चर देता है। सो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका हेयर डाई एक तैयार हो जाता है, जिससे आपके बाल जो है टेम्परेरी ब्लैक हो जाते हैं। नाउ आंवले से परमानेंट किस तरह से ब्लैक करते हैं, उसके अलग अलग वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप चेक कर सकते हैं। सो ये जब हमने धूप में इस डाई को सुखाया और उसके बाद आई वॉज सरप्राइज्ड कि जो बाल हैं लकड़ी के जैसे हो गए, मीन्स बिल्कुल जम गए, क्योंकि जो हमने जूस लगाया, जो हमने जेल लगाया, वो बिल्कुल बालों को जिस शेप में हमने रखा उसी शेप में ही रह गए। तो हमने मोटी कंघी से इसको निकाला, मोटी कंघी किया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आंवला का जो जूस था उसके जो हल्का हल्का सा आप कह सकते हैं बुरादा टाइप का निकला कंघी करने के बाद, और फिर आप देख सकते हैं कि जो कलर था वो बालों के ऊपर चढ़ गया है। नाउ आई वुड नॉट से कि 100% कलर इसके ऊपर चढ़ा है, बट आप देख सकते हैं कि इसको यूज़ करने के बाद आपके जो हेयर हैं उसमें फ्लफीनेस सा आ गया है, थोड़ा सा ये फूले फूले से लग रहे हैं बाल, जिससे कि आपके बालों की थिकनेस ज़्यादा लग रही है। अगर आपका आपको गंजेपन की शिकायत है या थोड़े कम बाल हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा ऑयली बाल हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बट अगर एक्स्ट्रा ड्राई हेयर हैं तब आप इसको ट्राई मत करिएगा, क्योंकि आपके बाल लकड़ी जैसे हो जाएंगे और वो ठीक नहीं होगा। लेकिन इसका भी सॉल्यूशन मैंने इसी वीडियो में शेयर किया है कि किस तरह से हम लकड़ी हुए बालों को, मतलब बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो गए अगर आपके बाल इस रेमेडी से, तो आपने क्या करना है। तो सबसे पहले आपने इसको लगाया, लगाने के बाद छोड़ा, छोड़ने के बाद आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आया है, एंड इसको हम रख सकते हैं इसी तरह से। इसी तरह से मतलब कि हमने इसको वॉश नहीं करना है, विदाउट वॉशिंग हम इस हेयर डाई को रख सकते हैं। इसने आपके बालों पे कलर कर दिया है, बट आपने लगाते टाइम ये ध्यान देना है कि आप अपनी जो स्कैल्प होती है, स्किन होती है, उस पर इसका कलर ना जाए, क्योंकि उसको उतारने के लिए आपको वॉश करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पर वॉश नहीं करना है। सो अगर आपके कान के आसपास हल्का फुल्का लग जाता है आंवले का जो जूस है, रस है, या कालापन है, उसको आप हल्का गीला कपड़ा करके उसको पोंछ सकते हैं, और इसको एज ए हेयर डाई, टेम्परेरी हेयर डाई कि आपने इंस्टेंट कहीं जाना है तो आप इसको लगा सकते हो। और मैंने यहाँ पे रेडीमेड एलोवेरा जेल डाला है, तो इसको आप स्टोर करके रख सकते हो कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए, तो कम से कम आपकी ठंड ये निकल जाएगी और आपके जो ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी। तो ये तरीका था, एक तो कि आपके बाल काले हुए हैं, बट आई वुड नॉट से कि सारे कवर किया है, हल्का सा टिंट हुआ है, और अगर जड़ में देखते हैं तब भी हमारा कलर चढ़ा है। चढ़ा है मतलब कि ये आपको 40% कवरेज दे देता है। एंड देन फ्रेंड्स, अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ड्राई करता है तो आपने क्या करना है कि आपने एक पैन लेना है, पैन के अंदर आंवला जूस डालना है। ये आंवला जूस मैंने फ्रेश आंवले से बनाया है, फ्रेश आंवले को आपने अच्छे से धो लेना है, धोने के बाद उसको पोंछ लेना है, पोंछने के बाद काट लेना है, काटने के बाद इसको हल्का सा पानी मिक्स करके इसको ब्लेंड करना है, ब्लेंड करने के बाद हमने कपड़े से इसको छान लेना है। छानने के बाद आप देखेंगे ये जूस तैयार हो जाता है। तो इसमें मैंने आधा से भी आधे कप के जितना, मतलब कि 4 चम्मच के जितना हमने यहाँ पे जूस डाला है, और एक गिलास के जितना हमने पानी डाला है। एंड देन जो आंवले की गुठलियाँ थी उसके ऊपर भी हल्का हल्का आंवला लगा था, तो वो भी मैंने बीच में डाल दिया, और उसके बाद इसको बॉयल कर लिया। इसको बॉयल किया है मैंने 2-3 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। ठंडा होने के बाद हमने इसको छान लिया है।
नाउ छानने के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक आंवला का रिंस हमारे पास तैयार हो जाता है। एंड देन इसमें फ्रेंड्स मैंने डाला है रोजमेरी ऑयल। सो रोजमेरी ऑयल की 2 से 3 बूंदें मैंने डाली हैं। अगर आपके पास रोजमेरी ऑयल नहीं हो तो आप इसमें आधे से आधा चम्मच जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं या फिर आप कोकोनट ऑयल डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने ऑयल डाल देना है इसके अंदर और ये एक बहुत ही अच्छा सा हेयर वॉश आपके पास तैयार हो गया है। तो जो हमने ये डाई लगाई थी उसके ऊपर हमने इस पानी को लगाना है, इससे अपने बालों को वॉश करना है। सबसे पहले आप इसी पानी को अपने हेड के ऊपर डालेंगे, अच्छे से मसल लेंगे और उसके बाद नॉर्मल पानी डालेंगे। नॉर्मल पानी के बाद आप इसको रिंस कर देंगे अच्छे से, तो आपके बालों में से जो भी आंवले का अगर ड्राइनेस लग रही थी या फिर आंवला लगाने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि एक बार हमें वॉश करना चाहिए, तो आप उसको वॉश कर सकते हैं। करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कलर हमारे ऊपर चढ़ा था उसका 50% कलर उतर गया है एंड देन 50% रह गया है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने क्लिप आपको दिखाई है इसमें आप देख सकते हैं कि जो कलर था वो डार्क हुआ है, क्योंकि हमने शैम्पू नहीं यूज़ किया है बल्कि आंवले का ही जूस यूज़ किया है। तो उस कलर को इसने एनहांस तो किया ही है, बट जो कलर हमारे सूखे हुए आंवले से चढ़ा था उसको थोड़ा सा इसने कम भी किया है। सो इस तरह से आपने करना है और इसके बाद आपके बाल सुपर सॉफ्ट हो जाते हैं और आपके बालों पे हल्का कलर आता है। सो फ्रेंड्स अगर इंस्टेंट हेयर डाई के जैसे इसको यूज़ करेंगे तो आप बिना शैम्पू के इसको लगा सकते हैं, हल्का हल्का लगाइएगा। और अगर आप हेयर ग्रोथ के पर्पज़ से इसको यूज़ करना चाहते हैं, आंवले को प्रीमेच्योर ग्रेइंग है, आप इसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, हफ्ते में 2 बार यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी हार्म नहीं है, आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि लंबे समय तक आपके बालों में ये हल्का हल्का कलर देते हुए अच्छे से काम करेगा। सो प्रीमेच्योर ग्रेइंग है तो ये काम करेगा आपको और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आप ये सोचें कि 100% ग्रे हेयर को कवर करेगा तो वो काम इसने नहीं किया है। सो इसको इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। सो आई होप कि मेरी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलती है। सो कमेंट ज़रूर करिएगा एंड देन शेयर करिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स वालों के साथ। सो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।